वेलकम टू द सेकेंड इंटरव्यू ऑफ गौतम कुमार प्रीतम हु इज अ सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट फ्रॉम बीपुर विधानसभा इन द अपकमिंग बिहार असेंबली इलेक्शंस एंड दिस टाइम वी हैव अ पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया हु विल बी इंटरव्यूइंग हिम लुबना सरवत डॉक्टर लुबना सरवत इज ऑल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना यूनिट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया And Gautam Kumar Pritam is the National General Secretary of the party. So I invite Dr. Lubna Sarwat to kindly begin the interview. And this is essentially the purpose of this interview is that people know Gautam Kumar Pritam, what he stands for, about his personality, about the work that he is doing at the grassroots and decide whether he is a appropriate candidate or not. So, main Dr. Lubna Sarwat ko aamantrit karta hoon ki Gautam Kumar Pritam ji jo Socialist Party India ke mahasachiv hain aur Dr. Lubna Sarwat khud jo hai Socialist Party India ki Telangana ikai ki mahasachiv hain wo Gautam Kumar Pritam se sakshatkar kare और हमको ये बताएं कि गौतम कुमार प्रीतम किन मुद्दों को लेके चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने कितना काम किया है और आखिर अगर कोई सोशलिस्ट पार्टी को वोट दे जो कि बहुत छोटी पार्टी है और गौतम जी पिछली बार भी चुनाव में खड़े थे लेकिन बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे तो पिछली बार से इस बार क्या अंतर है क्यों लोग सोशलिस्ट पार्टी को वोट दें ये हम सुनना चाहेंगे गौतम कुमार प्रीतम जी से तो लुबना जी आपका स्वागत है कृपा करके आप साक्षात्कार शुरू करें हाँ गौतम कैसे हैं आप जी नमस्ते ठीक हूँ खैरियत से है ना हाउ आर यू जी बिल्कुल खैरियत हाँ तो आप बिहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सोशलिस्ट पार्टी के चूंकि कैंडिडेट है इसका हमको आई मीन वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दैट यू आर द कैंडिडेट तो इस सिलसिले में मेनली आपका जो अंदर जो भावना है कि सोशलिस्ट पार्टी को इतनी सारी पार्टियों में आपको जैसे मालूम है अभी एमआईएम भी बिहार में कंटेस्ट कर रहे हैं सो इतनी सारी पार्टियों में जो काफी लोकप्रिय है लोकप्रिय यानी कई अंदर फेमस इनफेमस दो होते हैं ओके तो लोकप्रिय हैं तो उनमें से लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के बटन पे क्यों दबाएं और सोशलिस्ट पार्टी में वो गौतम प्रीतम पे क्यों बटन दबाएं आप क्या सोचते हैं जी शुक्रिया मैं सबसे पहले तो जो सोशलिस्ट पार्टी का जो सैद्धांतिक पक्ष है मतलब समता और न्याय के साथ हम समाज का निर्माण करें और जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा मूल्य है वो मानवता के आधार पर है तो सोशलिस्ट पार्टी जैसा कि आपने कहा कि एमआईएम और ऐसे बहुत सारे जो प्रचलित पार्टियां हैं जो समाजवाद के नाम पर भी है वो यहाँ की जो भी पार्टी विपक्ष में है बिहार में खास करके जो सत्ता में है जो नीतीश कुमार जदयू के सुप्रीमो है और इधर आरजेडी के सुप्रीमो लालू जी समाजवाद के नाम पर समाजवादी के नाम पर ये लोग भी हैं लेकिन जो समाजवादी का मूल्य है उन मूल्यों से ये सारे लोग भटक गए हैं एक तो पहला जहाँ पे आरजेडी से लेते चूंकि 15 साल पहले वो सरकार में रह चुके हैं तो उनका जो समाजवादी मूल्य रहा वो उनके परिवारवाद में आकर के और उनका जो है जातीय और धार्मिक समीकरण में आकर के सिमट गया जैसे कि आप देखेंगे कि आरजेडी ने अपना जो समाजवादी मूल्य था उसको समाप्त कर वो सिर्फ इन बातों पे आकर के रह गया जिनका समीकरण हो गया जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर उन्होंने नारा दिया लालू जी ने एम वाई समीकरण मतलब मुस्लिम और यादव बात हुई थी समाजवादी की लेकिन पहुंच गए मुस्लिम और यादव पर फिर उनका जो स्टेटमेंट आया वो जो जातियों के अंदर जाति की जो लड़ाई का मामला था उनका एक और नारा आया था बहुत चर्चित नारा रहा भूरा बाल साफ करो मतलब भूमिहार राजपूत बाबाजी और लाला
खुले तौर से वो मंच से इस बात को बोलते थे। असल में जो समाजवादी विचारधारा है वह जातियों का विनाश चाहता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, और लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नजदीकी होने का कारण था वही। दूसरा, समाजवादी हमेशा चाहता है कि जो वंचित समाज है, जो तबका पीछे है, उसको मुख्य धारा में लाना, उसको उसका रिप्रेजेंटेशन देना। जैसा कि डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते रहे, पिछड़ा पावे 100 में 60 का उनका नारा रहा है। महिलाओं का जो पूरे देश के अंदर पूरी आधी आबादी है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज भी देखेंगे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सब मामले में बहुत पीछे है। तो समाजवादी का जो लड़ाई था वो लड़ाई मंदिर बनाने का नहीं था, जैसे एक समाजवादी नीतीश जी है वो मंदिर वालों के साथ में है, मंदिर बनाना है, पूरा कश्मीर का मसला देखे किस तरह से वहां दमन कर रहा है, तो एक तरफ वो है। दूसरे तरफ अभी जो आपने कहा कि हैदराबाद से जो ओवैसी जी आए हुए हैं और यहाँ कुछ लोगों के साथ अभी गठबंधन कर रहे हैं और एक मोर्चा बना दिए हैं, तो वो तो चुनावी मोर्चा है, चुनाव में वो आए हैदराबाद से बिहार में, जब भी आना है कोई चुनाव तो आएंगे, भाषण करेंगे, तो मैं बहुत ज्यादा उन पर टिकट टिप्पणी नहीं करता। बस इतना है कि ये इन सब लोगों का जो अभी पॉलिटिक्स है वो अवसरवादी पॉलिटिक्स है, जो चुनाव के समय आकर के सामने कह रहा है। दूसरा है कि सोशलिस्ट पार्टी को क्यों वोट, तो सोशलिस्ट पार्टी जो वर्तमान में पुनर्गठित हुई है 2011 में, जिसमें चीफ जस्टिस राजेंद्र सत्तर, कुलदीप नैयर, भाई वैद, अभी पन्नालाल स्वर्णा, संदीप पांडे, डॉक्टर प्रेम सिंह पहले रहे आप, ऐसे तमाम लोग जो देश भर में तो आंदोलनकारी भी हैं और सामाजिक परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं और समता जो गैर बराबरी है वो इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग समाज में आकर के, जैसे हमेशा कहते रहे हैं किशन पटनायक का एक विकल्प ही नहीं है दुनिया, हाँ। और तो दूसरा है कि लोहिया जी का एक और किताब है निराशा के क्षण, तो अभी आप देखेंगे कि भारतीय इस उपमहाद्वीप में जो समाजवाद जैसा शब्द लोगों को बिल्कुल निरर्थक लगता है और वही जो एकदम से लोगों में निराशा है, तो हम उस निराशा में जहाँ बहुत अंधेरा है तो छोटा सा भी अगर तीली जल जाए तो बहुत दूर से दिख जाता है, शायद यह तीली जो है बिहपुर विधानसभा से जलने का काम करे और इस आधार पर वोट देने का भी काम करे। सिर्फ गौतम को वोट दे तो फिर हम उसी रास्ते चले जाएंगे जहां लालू, जहां नीतीश जी, क्योंकि सुप्रीमो है, सोशलिस्ट पार्टी में कोई सुप्रीमो नहीं है, इसका सुप्रीमो एजेंडा है, इसका आइडियोलॉजिकल जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वह इसका सुप्रीमो। हाँ गौतम, अभी यहाँ पर मैं एक आपको पूछना चाहती हूँ कि जब आपके पिछला इंटरव्यू भी मैं देखी जो बॉबी भेजे थे, आप जब कहते हैं कि अभी समाज को समाजवादी की तरफ, सोशलिज्म की तरफ उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो इसमें आप समाजवादी की तरफ ही आना पड़ेगा, सोशलिज्म की तरफ ही आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं तो आपका वो विजन क्या है? जब आप सोशलिज्म कह रहे हैं, सोशलिस्ट अप्रोच ही सही है अप्रोच, तो आपका विजन में क्या है? व्हाट डू यू मीन? अभी जो आप मूल्य बोल के भी जो बता रहे थे, तो उसके क्या आपके पास वो पॉइंट्स है? वो मुझे ये नरेशन में नहीं चाहिए, थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में बता सकते हैं कि ये चीज को हम सोशलिज्म, ये विजन है, ये चीज आना चाहिए देश में। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी इस देश के अंदर आप देखेंगे कि हम लोग हमेशा समतामूलक समाज का बात करते, ये जो है निराकार में, ये एक जो मूर्त रूप में वो दिखाई नहीं पड़ता। अभी देखेंगे कि भारत के अंदर जाति जो कास्ट है वो हमेशा ऊपर है, कास्ट का पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा है। तो इस देश के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके अंदर, जो आपका मीडिया है उसके अंदर, उन सब में जो इस देश के अंदर जो वर्णीय व्यवस्था है, हम हमेशा बोलते रहते हैं वर्णीय व्यवस्था, भारत के अंदर जाति में वर्ण है, जैसे लोग कभी कभी ना कहते कि इस्लाम के अंदर जाति नहीं है, हो सकता है सैद्धांतिक रूप में नहीं हो लेकिन व्यवहारिक रूप में उनके लेयर्स हैं, अपर में है, सैयद है, पठान है, शेख है, फिर उसके राइन बिरादरी है, तमाम जो तो छोटे छोटे बहुत सारी जातियां हैं उसके अंदर है, एकदम ये सच्चाई है। तो क्या उसको खत्म करने के लिए उपाय? बिल्कुल है, जो लोहिया जी करते पिछड़ा पावे 100 में 60 नहीं, अब है जिसकी जितनी संख्या बाढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक दूसरा है कि इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है
वो पूर्णतः गवर्नमेंट का हो और समता मूलक उसमें, और शिक्षा में जो संप्रदायिकरण है वो खत्म हो। हमेशा पढ़ा जाता है मुगल ऐसे आए, ऐसे काट दिए, ऐसे कर दिए, तो वो विजन हमेशा वो हिंदू मुस्लिम जैसा दिखाते हैं। तो उसके अंदर जो लड़ाई है, वो जो परोसा जाता है बच्चों को, वो खत्म हो, तो शिक्षा हमारा बिल्कुल समानता के आधार पर हो जाए, एक जैसा स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे। दूसरा एक और कि जो भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है, खत्म नहीं होगा, इसके भी हम गारंटी नहीं लेते, कम हो सकता है जो समाजवादी विचारधारा में, एजुकेशन एंड हेल्थ, जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है वो पूर्णतः फ्री होना चाहिए। उसमें छोटा सा से छोटा कोई जख्म हो जाए या हार्ट हार्ट का ऑपरेशन हो जाए बड़ा से बड़ा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। एजुकेशन केजी टू पीजी इंजीनियरिंग जितना वो पढ़े। दूसरा एक स्लेब लगना चाहिए कि जो हमारे बहुत क्रीम स्टूडेंट आए पढ़ लिख करके सामने बड़े बड़े ये बन जाते हैं, तो वो जो हमारे विदेश चले जाते हैं उसके लिए बैरियर लगना चाहिए कि 10 साल पहले आपको अपने देश के अंदर सेवा करना, 15 साल अपने अंदर देश में सेवा करना, फिर आपको बाहर जाना है तो जहां जाना होगा उसके लिए बाद में ये सोचेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दूसरा एक अभी देखेंगे कि जो पूरा देश के अंदर जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में आदिवासी समाज से कितने लोग हैं, मुस्लिम समाज से कितने लोग हैं, हाँ, जो पिछड़े समाज से है उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो जो हम समाजवाद कहते हैं, समाजवाद समता मतलब थोड़ी हम किसी को अंगूठा के बराबर लाना तो बाकी सबको काट देना है, ऐसा नहीं, हम उनको देंगे। दूसरा, इस देश के अंदर आरक्षण को गरीबी मिटाओ जैसा कुछ दिखा दिया है। समाजवाद कहता है आरक्षण हम उसको प्रतिनिधित्व का मामला है, प्रचार भी किया जाता है हमेशा, देखो आरक्षण में तो फलाना ये नेता, फलाना वो नेता इसका लाभ ले रहा है। लाभ ये है कि उसको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके संख्या आधार पर, एक वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाए, सरकारी सेक्टर में भी जाए, जो मीडिया है उसके अंदर जाए, जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर जाए, ये सब जैसा ही जाएगा तो जो पूंजीवादी लोग गठजोड़ अभी किए हुए हैं वर्तमान की सत्ताओं के साथ, या पूर्व में जो कांग्रेस का भी आप देखेंगे, समाजवादी बहुत कांग्रेसियों से हमेशा लड़ाई लड़ता है, तो आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो देश के अंदर पॉलिसी है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो समाजवादियों का एक विजन बहुत क्लियर रहा है, उसके किशन पटनायक का बहुत किताब पढ़ने की जरूरत है, भैया जी को पढ़ने की जरूरत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे आइकॉन्स हैं जिनको पढ़ने का जरूरत है, और उस आधार पर जो समाजवाद तय हो रहा है आज के 2020 में, हम कैसा समाजवाद लाना चाहते हैं उसके आधार पर हम लोग उस पे काम करते हुए तो आगे। ये ब्रॉड पॉइंट्स ये निकले हैं आपके यहाँ से कि फ्री यूनिवर्सल, फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, फ्री एंड यूनिवर्सल हेल्थ, कैस्ट एनिहिलेशन जिसकी राम मनोहर लोहिया जी बहुत इसके ऊपर एम्फसाइज करते थे, और आप जीरो करप्शन नहीं बता रहे बल्कि आप लेस करप्शन बता रहे, व्हाई नॉट जीरो करप्शन, ठीक है। और उसके बाद आप आरक्षण रिजर्वेशंस के बारे में भी, उसके बारे में भी आप सोशलिज्म का आपका जो विजन है वो उसमें बहुत कुछ बताया, पूरे नहीं बताए लेकिन समय में थोड़े बताए। तो मैं अभी आपको ये सब मैं क्यों ये ड्रॉ करना चाह रही कि आपकी प्रचार की पैम्फलेट जो है, ओके, तो पैम्फलेट में आपकी पहचान देंगे, ये आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सारे देश की एक टुकड़ा है, तो उस टुकड़े के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उस टुकड़े के प्रॉब्लम्स पूरी देश से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स लेकिन वही के होंगे खास वहां के। तो क्या आपकी प्रचार की पर्चे में क्या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या सोचे? मैं पहले ये ब्रॉड विजन पे क्यों आई, क्योंकि ये तो ब्रॉड है, तो इसमें से ही आप ड्रॉ करेंगे और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो क्या विजन है तो इसी के बेसिस पे आप वो होगा। तो वहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर आपका विजन क्या है, ये सब यही ब्रॉड विजन से ड्रॉ होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले इस पे थोड़ा गौर ले लिए। अभी वो रहेगा कि वहां पर के क्या है, क्योंकि पिछले बार आप मेज के एमएसपी के लिए भी आप उसमें शामिल हुए थे, फिर आरक्षण के लिए भी आप शामिल हुए थे, सीएए वगैरह में भी आप शामिल हुए थे,
तो ऐसे आपके शामिल होने से कई आपके विचारधारा उभर आ रहे हैं, लेकिन अब जब अपने को इलेक्ट होना है, मैं आपकी इलेक्शन को एक ट्रायल नहीं समझ रही हूँ, इसको एक, मैं हाँ बिहार की विधानसभा में एसपीए की कैंडिडेट जाएंगे, यही विचारधारा से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना? जी इट्स नॉट अबाउट एनी ट्रायल, ठीक है ना? तो उस हिसाब से पार्टी छोटी है, ये भी मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, ओके? तो उस हिसाब से मुद्दे बहुत बड़े हैं, इसीलिए हम एसपीए की वहां पर जरूरत है, ओके? और एसपीए की आइडियोलॉजी और इसकी जो लीडर्स है वो बहुत ऊंचे किस्म के हैं, वो हिमालय जी के समान उतने ऊंचे कैरेक्टरिस्टिक्स, उतनी ऊंची आइडियोलॉजी, उतनी ऊंची उनके भाव, तो वैसी लीडर वाली हमारी पार्टी छोटी नहीं है, हमारी पार्टी बड़ी है, तो हम अपने पार्टी के उतने हम बड़े होना चाहिए अपने को। तो उसके लिए मैं आपको अभी इस तरफ ले आ रही हूं कि आप समाज सोशलिज्म की, आपने एक बताया कि आपके विजन में वो चीज है, तो आपकी बिहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके फाइंडिंग्स क्या है? क्या आपकी पर्चा छप चुकी है, या पर्चे में आप ये मुद्दे लाएंगे बोल के आप कुछ ऐसा बनाए हैं माइंड में, मुद्दे क्या है और वो उसकी आप सॉल्यूशंस क्या बता रहे हैं, पर्यावरण को लेके, वहां की इलेक्टोरल रोल्स को लेके, और ये ऐसी कोई ऐसी होनी चाहिए एक ऐसी एक मेन वेपन, अस्त्र जो बोलते हैं ना, तो कोई ऐसी अस्त्र होंगी आपके माइंड में डेफिनेटली, जिससे कि आप समझ रहे हैं कि इससे हमको जो चाहिए वो पॉपुलैरिटी मिल सकती है। पॉपुलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो ये चीजों के बारे में अब स्टार्टिंग से, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या चीज आप देखे कि यहाँ सोशलिज्म नहीं है, लिहाजा यहाँ सोशलिस्ट पार्टी की जीतना बहुत जरूरी है, ऐसे क्या आप अनसोशलिस्ट क्या देखे, उसके लिए आपकी क्या सोच रहे हैं आप, उसकी विचार क्या है आपके बारे में, वो हमको थोड़ा बुलेट जी पॉइंट्स में समझाइए। जी जी एक तो जो ये नेशनल इशू है और जो हमारा लोकल इशू है, जो यहाँ के किसान हैं वो नेशनल लेवल पर भी चला जी जाएगा। तो जो देश भर के किसानों की हालत है वही हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो आम होता है, मैंगो, लीची, मक्का और इस तरह का जो फसल है बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है और उन्नत किस्म का होता है। लेकिन हमारे पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, विधानसभा के अंदर, एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है, एक भी उसके लिए बड़ा गोदाम नहीं है, और उसके लिए फूड प्रोसेसिंग का कोई भी ऐसा फैक्ट्री प्लांट्स ये नहीं है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। ठीक है, बनाना, केला का बहुत बड़ा खेती होता है, केलांचल के नाम से जाना जाता है, वो नहीं है। दूसरा, हमेशा हमारा जो क्षेत्र है, गंगा और कोसी दोनों नदी के बीच में है, जो आए दिन हमेशा उसमें कटाव होता रहता है और उसका नुकसान होता है, और इसका फायदा जो लगातार विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं उसका वो बेनिफिट लेते हैं, बेनिफिट उसका जो भ्रष्टाचार का मामला है उस आधार पे लेते हैं। दूसरा, हमारे क्षेत्र के अंदर जल जमाव का समस्या है, सड़कों का समस्या है, ये लगातार सालों भर बना रहता है। जिस भी पूर्व विधानसभा में जिसकी मुख्य सड़कें, जिसमें थाना, अस्पताल, जो प्रखंड मुख्यालय, डाकघर, बैंक, स्कूल, ये तमाम चीजें हैं, वो सड़कों की एकदम पिछले कहें तो 10-15 साल से हालत खराब है और आज तक सड़क नहीं, ना ही उसको नाला है। दूसरा, बिहपुर जो पूरा प्रखंड मुख्यालय है वो नगर पंचायत के दर से सब लोगों का पैसा टैक्स वैक्स करता है, बट नगर पंचायत नहीं बन पाया। दूसरा, हमारे यहाँ महिलाओं का कॉलेज नहीं है और ना ही लड़के का कॉलेज है। जो बिहपुर प्रखंड है, जो विधानसभा है, जो उसका मुख्यालय है, वहाँ पुरुष का कॉलेज नहीं है, ना ही महिलाओं का कॉलेज है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो गंगा के दक्षिणी तरफ जो आईटीआई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ जाते पर। यहाँ आईटीआई कॉलेज हो सकता है, यहाँ बन सकता है, बनाया जा सकता है। बिहपुर को जो बहुत ऐतिहासिक उसका पृष्ठभूमि है, आजादी का आंदोलन से लेकर के आज तक में, तो बिहपुर जंक्शन हुआ करता था, रेलवे का जंक्शन, तो जंक्शन खत्म हो गया, रेलवे का एक एक पार्ट यहाँ से उठ करके कहीं और चला गया। यहाँ लोको शेड होता था जहाँ पर इंजन वगैरह तैयारी की जाती थी, ये सब खत्म हो गया। ये सारे यहाँ के चीजों को उठा उठा के दूसरे जगह, यहाँ के नेताओं के कारण से, उनके यहाँ के नेताओं के मिली भगत से ये सब हुआ है। तो ये हमारे लोकल इशू है। अभी ये दूसरा आपने कहा कि जो पंपलेट है वो पंपलेट हमने नहीं बनाया है,
अभी छोटा छोटा स्टिकर टाइप का जो सोशल मीडिया पे बना बना के हम लोग चला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो अब मुझे बुला बुला करके अपना जो दुख रहा है, जो कष्ट है, वो मुझे सुना रहे हैं, और उस पर हम उनको संज्ञान ले रहे हैं, हम आंदोलन में जा रहे हैं। अच्छा हमने जो एक ना एससी आपको एसटी रोक रही हूँ मैं, एट्रोसिटीज एक्ट थोड़ा का जो, मेरे को फ्रीडम दीजिए कि बीच में कहीं भी रोकूं। ये आपका आपने कुछ हेल्पलाइन दिया? हाँ हमारा नंबर है, हेल्पलाइन, ऑफिस का हाँ नंबर है, हेल्पलाइन और नंबर दे हम दिया अप उनको? हाँ, और हमारा खुद का कांटेक्ट नंबर सभी लोगों के पास है जो डायरेक्ट सबसे हाँ पास, ठीक मेरे से है, तो डायरेक्ट उसको बात ना, कर सकते उसको हैं, अगर टैग व्हाट्सएप करें नंबर कि भी। हेल्पलाइन नंबर, तो वो क्या है वो थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखेगा, कैंडिडेट नंबर क्या नहीं बोल के हेल्पलाइन नंबर अगर दे देंगे ना, तो वो यूनिवर्सल अप्रोच हो सकता है उसका। ओके, तो ये आप क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान में सभी लोगों से आप ये कह सकते हैं कि आपको मालूम है जब आप एमएलए बनेंगे आपको कितना सैलरी मिलेगा, आपको क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी, आपको मालूम है? जी नहीं, नहीं तो पता करिए, हमारे यहाँ एमएलए को काफी सैलरी मिलती है, मेरे मुख्यमंत्री को 3.2 लाख पर महीना, हर महीना महीना सैलरी मिलती है उनको, आपके मुख्यमंत्री को भी मिलती है, एमएलए को भी मिलती है। तो एमएलए लैट्स फंड्स अलग है, वो तो 3 करोड़ है यहाँ पर, तो 3 करोड़ है ओके एवरी ईयर, लेकिन महीना महीना सैलरी मिलता है, तो वो जरूर से आप पता करना। तो बात ये है कि इन एमपी लैट्स फंड्स भी आप पता करिए, क्योंकि आपको आपके संविधान के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये पिछले एवरी ईयर आपको जब 3 करोड़ यहाँ के एमएलए को फंड मिला था, तो वो कहाँ से इस्तेमाल हुआ, कहाँ गया, और एमपीलैट्स की जो वेबसाइट होती है वहां पर लिखा हुआ रहता है एमएलए को इतना मिला सालाना सालाना सालाना, उससे उन्होंने क्या किया? क्योंकि आपको आपकी लोगों से पूछना पड़ेगा कि आपके पिछले एमएलए को इतना पैसा मिला तो वो कहाँ कहाँ दिखा आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको उभारने के लिए। तो आप ये सब को लेके कि आपको सैलरी कुछ मिलेंगी, आपको फैसिलिटीज बहुत मिलेंगे, सब मिलेंगे, तो क्या आप आपके संविधान में लोगों के लिए ये बोल सकते हैं कि मैं जो समाजवादी चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों को, और मुझे जो सहूलियत मिलेंगे, यानी क्या है, मैं अच्छी ट्रीट, अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छा पहनूंगा, अच्छा यानी डिसेंट की बात कर रही, मैं यहाँ कोई वो मोड़ी वाली गोल्डन सूट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो ये जो मैं तो भूखा नहीं रहूंगा, मैं तो प्यासा नहीं रहूंगा, मैं छत मेरी छत में पानी नहीं गिरेगी, और सब मेरा ठीक ही रहेगा एक डिसेंट तरीके से। तो आप आपके संविधान के बारे में, संविधान के लोगों के बारे में क्या ये सोच रहे हैं कि मुझे जो मैं डिसेंट जिंदगी गुजारूंगा, मैं आप में से हर किसी को वही लेवल की मैं डिसेंट जिंदगी दूंगा, क्या बिल्कुल आप इस अप्रोच से आपकी कुछ ऐसा इरादा है? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये है कि जो नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले पहले कहा कि हेल्थ एजुकेशन एकदम उसमें कोई कटौती नहीं, फिर हमारा एक और है जो छूट गया था, भूमि का बंटवारा, क्योंकि आपको मालूम है बिहार के अंदर 20 लाख 21 लाख जो फैमिली हैं वो लैंडलेस हैं, भूमिहीन है, और ये एक कमीशन गठित हुआ था, प्रोफेसर बंदोपाध्याय, सॉरी मुचकुंद दुबे। बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी, अच्छा नहीं वो तो एजुकेशन का था, मुचकुंद एजुकेशन दुबे है एजुकेशन ओके। का था, बंदोपाध्याय कमेटी बनी थी भूमि सुधार को लेकर के, और आज भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ देखेंगे बिहार के पूरे स्टेट का ये मामला है कि जो भूमि का लड़ाई है, भूमि का जो बंटवारा है, आज भी जो आपने कहा कि गंगा और कोसी के कटाव से जो विस्थापित लोग हैं, हाँ जो विस्थापित लोग हैं वो गंगा के कटाव से वो बांध पे आके रह रहे हैं, सड़क पे आके रह रहे हैं, रेलवे किनारे रह रहे हैं, तो जो माइग्रेट लोग हैं ये सब लोगों के लिए जो ये सारी चीजें हैं, सुविधा आवास का, शिक्षा का, ये सब उच्च लेवल का होना चाहिए, जो एक वो हमारी प्रायोरिटी है, उसके लिए हम लड़ाई हमेशा लड़ रहे हैं, और ये सब हमारा आंदोलन का पृष्ठभूमि रहा है, हम तो इसके लिए लड़ेंगे। दूसरा जो हमारा सुख सुविधा है वो मेरा नहीं है, वो उसमें जो चीजें हमें मिलना है, जो आप बता रहे थे एक सैलरी,
इन लोगों का पर्सनल हमारा कुछ नहीं, वो सब आम लोगों के लिए, ये हमारा नहीं होगा। वो अभी हम इतने इतने कार्यकर्ता हैं, ऐसे तो तमाम लोग घूम रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि अब फिर उस विधायक में और हमारे विधायक में मेरे बनने में क्या फर्क रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, सुख आप सुविधाओं के पर्यावरण लिए नहीं की जो है। पोल्यूशन है, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक दोनों नदियों के बीच में है, दोनों नदियों के ट्रिब्यूटरीज के बीच में है, जी जी तो क्या आपकी ये बीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन दोनों जो गंगा जो बह रही है उसकी प्यूरिटी कौन सी लेवल की है? क्या उसकी जो प्यूरिटी के पोल्यूशन के वजह से कितना यहाँ आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी असर हो रही है? हाँ, उसका प्रॉब्लम है ना, पानी जो है वो पानी बहुत दूषित पानी है, और जो आर्सेनिक होता है ना, आर्सेनिक करके हाँ, आर्सेनिक पानी तो में, बहुत, तो वो कैंसरेज कैंसिनोजेनिक है वो। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उसका लेवल है, बहुत ज्यादा है। कहाँ पर, पानी में या तो भूमि में? पानी में भी है, भूमि जो चापाकल से पानी निकालते हैं, हैंडपंप से पानी निकालते हैं, हाँ, तो उसमें आर्सेनिक है काफी मात्रा में, और अच्छा, तो पूरा भूमि आप उसका सर्वे जो जो हुआ। कल्टीवेशन लैंड है उसमें भी है? हाँ, अरे ये तो हम बहुत तो एकदम, कैंसिनोजेनिक है वो, कैंसर हाँ कॉजिंग है है वो। ही वो, काफी इससे काफी लोग बीमार रहते हैं, कई तरह की बीमारियां हैं यहाँ पे। घे घे का ये टॉन्सिल, देखिए मेरा भी टॉन्सिल बड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम है यहाँ। आयरन बहुत ज्यादा है पानी में। हाँ, तो ये पोल्यूशन की जो लेवल है, उस पोल्यूशन की लेवल एक बहुत बड़ी कॉज है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेहत की, और बुनियादी चीज जो सेहत है, तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या है, क्या आपके एजेंडा में वो रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। हमारा यहाँ जैसे आप देखेंगे, हमारे यहाँ गंगा में जो है, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत डॉल्फिन है, वो अभयारण्य केंद्र है हमारे यहाँ पे। और यहाँ ये भी देखेंगे कि जो पहले एक जो डैम बना हुआ है, गंगा हुगली, उसको हुगली नदी कहते नहीं, फरक्का, फरक्का ब्रिज है, हाँ, फरक्का ब्रिज, तो उसमें बिहार सरकार भी इसको लेकर के मान गया था कि इसको तोड़वा देना चाहिए, और क्योंकि समुद्र से जो बहुत गाद है उसका, जो मिट्टी है वो गंगा में, गंगा का लेयर ऊंचा हो रहा है, तो आसपास जो तो किसानों के घरों में खेत खलियान जो केला आम लीची सारे फसलों को बर्बाद कर देता है, वो सब उसका वही उस फड़क्का ब्रिज के कारण से हुआ। वहां पे वो डैम बनाया गया है, पानी वहां पे रोका जाता है, फिर वहां से पानी को डिस्चार्ज किया जाता है। तो सरकार से तो कई बार इसके लिए आंदोलन हुआ, और ये डिमांड्स किया गया वो फरक्का ब्रिज को बिल्कुल हटा देना चाहिए, पुल रहना चाहिए, इस पार से उस पार गाड़ी जाए, लेकिन ब्रिज को तोड़ देना चाहिए। ये सब सारे डिमांड्स रहे हैं। जो जैसे हमारे यहाँ देखेंगे कि बहुत सारा जंगल था, वो कट गया, तो लगातार पेड़ पौधा लगाने, बहुत सारा पेड़ मैं भी लगाया हूँ, लगातार रहता हूँ, और इसके लिए पर्यावरण के लिए लगातार सतर्क भी रहता हूँ, लोगों को जागरूक भी करता हूँ, ये सब हमारी प्राइवेट चीजें हैं। हाँ, हम तो अब सोशलिस्ट पार्टी का तो ग्रीन सोशलिज्म पर एक विचार भी है कि वो ऐसा होना चाहिए। जी। और जो बेसिक फैसिलिटीज के पास आके फिर से ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट की हो, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि हर इंसान को हर दिन 150, 130 से लेकर 150 लीटर तक की पर पर्सन पर डे फॉर ए बेसिक स्टैंडर्ड, ये उनका ये है स्टैंडर्ड है उनका, WHO और गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का, यानी यूनियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड WHO का एडॉप्ट किए हैं। तो क्या आपके संविधान में ये हर इंसान को हर दिन 130 लीटर्स ऑफ वाटर मिल रहा है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और WHO ने कैलकुलेट किए पानी नहाने, तरकारी धोने, वैसा उसको बकेट्स लीटर्स कैलकुलेट करके वो लोग एक इसमें एक साइंटिफिकली तरीके से उस पे आए। तो मैं बस, क्योंकि हम हैदराबाद में भी देखते लोगों के पास सुनी वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने कही, तो मैं आपसे भी ये पता करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आप जब MLA रहेंगे तो आपका तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि बेसिक राइट्स उनको मिलना चाहिए। बेसिक मूल में ये पानी है, खाना है, सब, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड क्लीन एयर एंड वाटर, तो बेसिक चीज है। तो क्या आपकी सिचुएशन क्या है, क्या हर इंसान को वहां पर 140 लीटर्स पर पर्सन पर डे मिल रहा है, या फिर जैसे हैदराबाद में है, एक जगह एक इंसान को हर दिन में 1 लीटर ही मिलता है और दूसरी वही हैदराबाद में दूसरे लोगों को 500, 1000 लीटर भी एक इंसान के लिए उनके लिए तैयार रहता है? ये तो नहीं, इनइक्वालिटी वर्ल्ड है, तो आपका कैसा है?
मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हैंडपंप में 30 फीट से पानी आ जाता है, तो पानी का इश्यू नहीं है। पानी, क्लीन पानी मिले, क्वालिटी का पानी मिले, ये इश्यू है। पानी का कोई कमी नहीं इधर, क्योंकि तो हमने आपको बताया कि हम तो बेसिन एरिया में ना, गंगा और जी कोसी जी के बेसिन में, इधर भी पानी ही पानी है। तो पानी का इश्यू प्रॉपर हमारे जो विधानसभा का क्षेत्र वहां नहीं, लेकिन हमारा जो अर्बन क्षेत्र है, जो टाउन शहर भागलपुर जो टाउन है, वहाँ पानी का इश्यू, वहाँ 300 डीप में जाने के बाद, 400 डीप में जाने के बाद पानी मिलता है, तो वहाँ पानी का इश्यू है। गर्मी के दिनों में दिक्कत हो जाती है, तो ये वहाँ का प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लोग है, चूंकि जो अर्बन क्षेत्र है वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है और वो हमारे लिए इश्यू है, क्योंकि और हमारा जो जो रूरल आइडियोलॉजी है में वो भी आप बताएं कि लोकल वो लेवल पे पानी नहीं है है। लेकिन पानी साफ नहीं है, जी हाँ, हमारे यहाँ बस वो प्यूरिटी में लोग का प्रॉब्लम है। पीने का पानी और यूसेज के लिए, पीने ही नहीं पकाने के लिए सब चीजों के लिए, तो वो पानी का उनका क्लीन वाटर रीच करने का वो इश्यू कैसे सॉल्व हो रहा है? अभी तक तो कोई सॉल्व नहीं हुआ है, तो अपना हम लोग क्या, आगे देखेंगे। अपने पर्चे में हम क्या वो मुद्दा ला रहे हैं? हाँ, हम उसमें हमारा तो एजेंडा में आप रहेगा। क्लीन वाटर उनको पहुंचाने की कैसा सोच रहे हैं? पानी हम लोग देखे, एक तो है कि जो गंगा का, जो अभी गंगा के कारण से पानी का प्रॉब्लम है, जो गंगा में सारे यूपी के खास करके जो चमड़ा उद्योग है, लेदर फैक्ट्री है, उसके जो केमिकल्स गंगा नदी में दिया जा रहा है, उसको बंद कर दो तो आर्सेनिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो जो इशू है ये खराब पानी का, तो हम लोग तो बचपन में अपने ही चापाकल का पानी पिए, बहुत मजे से पिए, कोई दिक्कत नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहेंगे तो 20-25 सालों में बहुत ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है लोगों को, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं। तो आप कैसा सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? प्रॉब्लम ये लोकली प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़े लेवल ठीक पर है, है और उसके आंदोलन के साथ अपस्ट्रीम से आ रही है प्रॉब्लम, लेकिन अपने जी। लोगों को तो अपने को सही पानी, साफ पानी देना है। हम ये इंतजार हाँ नहीं कर सकते कि यूपी का मुख्यमंत्री जो भी हो वो लेदर को बंद कराए या इंडस्ट्री को बंद नहीं कराए, बल्कि वहां की इंडस्ट्री हाँ को वो पोल्यूटेड वाटर इसमें नहीं डाले। क्या हम यूपी के हाँ चीफ मिनिस्टर की ये कमांड की इंतजार करेंगे या फिर यहाँ हम लोकल साफ पानी देने की कुछ काम करेंगे? बस उसका है, जो हमारे यहाँ का पीएचडी विभाग है उसको दुरुस्त करना। जो वाटर टैंकी है, मतलब हम 300 फीट 400 फीट पर अगर नीचे जा करके पानी लेके ऊपर लाते, फिर वो घर में लोगों को सप्लाई देते हैं, तो देन बेटर वो बढ़िया पानी, उसके लिए इंतजाम हम लोग करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे, ठीक ढंग से करेंगे। बहुत जगह टैंकी बना हुआ है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, कहीं पे वो बोरिंग लगा हुआ है लेकिन उसका टैंकी नहीं बना हुआ है, ये सब है इशू, ये सब आएंगे। ओके। और आपके यहाँ पर जो क्योंकि अब ये आपका जो संविधान है विधानसभा बीहपुर का, तो उसमें अर्बन और रूरल दोनों भी है, नहीं, सिर्फ रूरल। ये सिर्फ रूरल है? ठीक है, तो ये रूरल में आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो मंडल वाइज है वहां पर की जो पॉपुलेशन है उनकी लिटरेसी रेट के बारे में आपको जरूर, आप पहचान करे होंगे अभी तक, तो वो जी लिटरेसी रेट में फीमेल का कितना कम है और मेल का कितना कम है, तो उसके हिसाब से वहां पर जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए थे कि यहाँ पर एक भी ना वुमेन्स की कॉलेज है ना मेन की कॉलेज है, तो आपका क्या इरादा है कि आपको आपकी संविधान में कितने पॉपुलेशन के लिए या मंडल वाइज या विलेज वाइज कितने स्कूल नहीं है, कितने आप विलेज वाइज स्कूल लाना चाह रहे या डिस्ट्रिक्ट वाइज लाना चाह रहे कॉलेजेस को, तो आपका कैसा क्या इरादा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? हमारे यहाँ क्या है कि जो अभी एक प्रखंड में एक कॉलेज है, बाकी हमारे विधानसभा के एक्सक्यूज अंदर मी, एक प्रखंड यानी क्या है? ब्लॉक जिसको कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक। तो ब्लॉक जो है वहाँ एक ही ब्लॉक में एक कॉलेज है, ओनली वन कितने कॉलेज, ब्लॉक्स हैं आपके पास? 3 ब्लॉक है, बीहपुर में 3 ब्लॉक है। 3 ब्लॉक है, बेहपुर, हाँ नारायणपुर, खरी। तो ओके। नारायणपुर में जेपी कॉलेज नाम है, जयप्रकाश जी के नाम से एक कॉलेज है, और वो सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने ही बनवाया था आजादी के सब आजादी के जस्ट बाद, 1962 के आसपास का है, और वो सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव भी लड़ते थे।
उन्हीं के प्रयास से वो पहला कॉलेज खुला है, और उसके बाद फिर हमारे विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं खुला है। तो जो हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, हमारी जो बहन है, वो भी 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर या तो बस से जाए या तो ट्रेन से जाए तो वोमेन कॉलेज जाएगी, या फिर जो भागलपुर टाउन एरिया है वहां पर वो जाएंगे। तो एजुकेशन का कई एक वेरिएशन प्रॉब्लम है। तो एक मिनट, मतलब ये लोग सब बीपुर के बाहर जा रहे पढ़ने के लिए? हाँ बस, और बीच में क्या हुआ है कि जो बिहार सरकार है उन्होंने जो 10th तक स्कूल था उसको प्लस टू में तब्दील कर दिया, और टीचर्स का प्रॉब्लम है, जो ग्राउंड में प्ले जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चाहिए उसका प्रॉब्लम है, जो बच्चों के लिए स्कूल अब 4 कमरे का स्कूल 8 तक पढ़ाई होनी है, मतलब एक कहे तो अब एक मतलब एक तरफ से जो उसका हमारा इशू का प्रॉब्लम है ना एजुकेशन का, तो एक मिनट, तो वो तो बहुत लंबी लाइन है। आपके पास 3 ब्लॉक है, तीन ब्लॉक में जो कॉलेज में अगर कोई पढ़ना चाह रहे तो वो सिर्फ बीहपुर से उनको बाहर जाना पड़ रहा, और यानी कि उसका ये मतलब है कि सिर्फ स्कूल्स है, कॉलेज लेवल की पढ़ाई नहीं है बीहपुर में। तो स्कूल की लेवल पे भी वहां पर प्राइवेट कितने हैं, पब्लिक कितने हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है उसमें से कितने वैकेंसीज को वैकेंट रख दिया गया, क्या इसके आंकड़े हैं अपने पास? क्यों मैं इसके हाँ, अभी आंकड़े, अभी क्या है तो आंकड़े हमने पिछले साल तैयार किया था, अभी तो फिर उसमें बहुत सारे रिटायर्ड हो गए, अभी नए लोगों का उसमें वैकेंसी नहीं आया। हाँ, तो अपने पास लेटेस्ट आंकड़े होना चाहिए, और जी वो वैकेंसीज का आंकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है अपने पर्चे में, क्योंकि वो अपन जब MLA रहेंगे तो अपना वो अपन किसी न किसी तरह अपन वो हासिल करेंगे कि यहाँ पर जो वैकेंसीज है हमको उसको तुरंत ही भरवाना है। तो उसके अलावा जब आप ये सही बोल रहे हैं कि स्कूल तक ही पढ़ना है और स्कूल के बाहर अलावा और पढ़ना है तो बीहपुर के बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। तो उसको लेके आप आपका विजन आप आपकी जो आपकी जो अप्रोच आप पर्चे में डालेंगे, किस तरह आपका विजन जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपकी जो विजन है, तो विजन में आप क्या बताएंगे कि कहाँ तक कि आप कितने ब्लॉक्स में क्या कॉलेजेस रखेंगे, क्या आप यूनिवर्सिटी की सोच रहे हैं, क्या आप कॉलेज की सोच रहे हैं, क्या विजन डॉक्यूमेंट है इस मुद्दे पर सिर्फ कि स्कूल लेवल तक ही बीहपुर में है और उसके बाहर जाना पड़ता है अपने बच्चियों और बच्चों को अगर वो ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए, तो इस हिस्सा में आप विजन क्या डालने वाले हैं आपके पर्चे में, बिल्कुल एक तो कॉलेज कैंपेन का जो में है बोलेंगे पूरे? हाँ, वो हमारा पिछले कैंपेन का हिस्सा है, मैंने जो पिछले इलेक्शन में इलेक्शन जो हम लोगों ने लड़ा था उसमें भी इसका इशू था। हमारे यहाँ पीजी की पढ़ाई तीनों ब्लॉक में नहीं होता है, जो हायर एजुकेशन चाहिए पीजी का पढ़ाई होना है, MSc MA करना हो किसी भी महाविद्यालय, एक तो एक ही महाविद्यालय उसमें जो हमने कहा एक ब्लॉक के अंदर, वहाँ पीजी की भी पढ़ाई नहीं होती, वो भी हमारा एक इशू है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन का यहाँ पे कोई नहीं, जैसे हमने कहा कि ITI कम से कम होना चाहिए, IIT तो यहाँ नहीं हो पाएगा लेकिन ITI तो हो सकता है, ITI कॉलेज हो सकता है। हाँ, तो इस तरह का चीज हमारे डिमांड्स में है। वो हमारे यहाँ पे देखेंगे कि आजादी के समय में बीहपुर का एक बड़ा योगदान रहा है, बड़े उसके इतिहास रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक किताब है बापू के कदमों में, आप पढ़ेंगे उसका, बीहपुर की पुलिस ज्यादती, वो पूरा चैप्टर है उनका, पूरा बीहपुर में क्या क्या हुआ है उसका पूरा उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, उनके जीवनी में आत्मकथा में। तो उसके नाम से कोई स्मारक स्थल नहीं है, यहाँ गांधी आए, डॉक्टर लोहिया आए, JP आए, तमाम ऐसे लोग आए, लोहिया तो यहाँ बहुत बार आए, कोई जिक्र नहीं है, कोई जगह नहीं है, कुछ भी उनका एक नाम से पार्क तक नहीं है, कई एक इशू है, मतलब कहें तो अब हमारे लिए, इसलिए हम इसमें जो इलेक्शन में हमारा लड़ाई है उसमें हम 3-4 तरह का पर्चा निकाल रहे हैं। अगर एजुकेशन पे ही तो एजुकेशन पे हमारा पूरा डिटेल से हम क्या क्या, आपका स्थिति क्या है, बीहपुर विधानसभा की स्थिति क्या, वो भी लोगों के सामने रखेंगे कि भाई इतने दिनों में आपका ये उपलब्धि है, और जो यहाँ चीज था जो हमारे यहाँ पहले से था, रेलवे का जंक्शन, लोको से ये उठ के चला गया, दूसरे जगह चला गया, हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस था, हम लोगों के आंदोलन के वजह से यहाँ रुका हुआ, ये रजिस्ट्री ऑफिस भी दूसरे ब्लॉक में चला गया होता, तो कई एक चीजें हैं, लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और वो हमारा हिस्सा है। दूसरा, हमारी पूरी लड़ाई जो है सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं है, हमारा इस देश के लिए, समाज के लिए और हमारे जो लोकल क्षेत्र है उनके लिए
इस ये लड़ाई है, गौतम अगर इस लड़ाई में है तो ये जो हमारे लिए जो इलेक्शन है वो हमारे लिए एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। एमएलए बन जाना हमारे लिए कोई बहुत लेकिन भाई इतना ही हम बताना चाह रहे हैं कि मेज जो आपके पास बहुत कल्टीवेट होता है बीपुर में, तो मेज मक्का, तो मक्के के ऊपर, हाँ मक्के के ऊपर तो आपको मालूम है नेशनल पॉलिसी भी आपके ऊपर इफेक्ट होता है, जैसे कुछ नेशनल चीज इफेक्ट होते हैं। तो मेज के बारे में एक अजीब स्थिति में है, नेशनल पॉलिसी में तो वो मेज को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और इम्पोर्ट ड्यूटी को कम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल में मेज के कल्टीवेशन को एंकरेज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जब मेज की जरूरत है तो आप पिकाने वालों को क्यों रोक रहे हो, और मेज की जरूरत नहीं है समझ रहे तो फिर आप इंपोर्ट क्यों करवा रहे हो और इंपोर्ट ड्यूटी को क्यों कम कर रहे हो। तो ये टकराव है उनकी पॉलिसी में, तो इसके इसके ऊपर बोलिए। ये तो गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी है कि किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथों में दे दें। वही अभी तो बिल भी वही हुआ है, अभी आप देख रहे हैं कि जो देखिए समाजवादियों का इतिहास, जो डुप्लीकेट समाजवादी अभी हरी ये जो गए हैं नीतीश जी ने उनको भेजा है राज्यसभा में, ये लोग ये कहते थे कि किशन पटनायक हमारे गुरु है, अब किशन पटनायक वो शिष्य ऐसे थोड़ी हो सकते हैं, अगर यही अगर हो तो शर्म है। लेकिन मुझे ये पता चला कि नीतीश इज अपोजिंग दिस थ्री एग्रीकल्चर बिल्स, ये नौटंकी है, झूठ है, उन्हीं के तो राज्यसभा में उन्हें दोबारा भेजा है, प्रभात खबर से चले गए राज्यसभा तक, पत्रकार तो है, मैं... का पत्रकार है, किसानों को आप किसानों की आत्महत्या कराने पर मजबूर कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या बढ़वा रहे हैं। नीतीश बाबू जो है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कौन सा इमेज उनका रह गया है, वो कब कहा क्या बोलते, उन्होंने तो कहा मेरा पूरा डीएनए खराब कर दिया, पूरा बिहार का डीएनए खराब हो गया, यहाँ सभी लोगों के नख और बाल जो है ये सबको पर्चे में भेजा था इसी नरेंद्र मोदी जी को। हाँ नीतीश को हम पूरा ऑब्जर्व कर चुके हैं, एक जमाने में जो मोदी के क्रिटिक थे आज के दिन वो उन्हीं के साथ वो लल्लू को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये तो पूरी इंडिया देख रहा है उनकी जो यू टर्न्स है, सो पूरी इंडिया देख रहा है उनके यू टर्न्स को। तो अभी जी, मैं तो बस एक लाइन यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ यहीं पर कि ना लालू के रास्ते इस बिहार को डेवलप होना है, ना नीतीश के रास्ते, ना सुशील मोदी नरेंद्र मोदी के रास्ते, इस बिहार को पूरे देश में फिर से बिहार को एक नए क्रांति के साथ आगे बढ़ना होगा, पूरे बिहार को इस पर सामने आना होगा, जो देश को एक क्रांति की जरूरत है, पूरे देश को क्रांति की बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को, बिहारियों को हम अपील करना चाहते हैं, ये जिम्मा बिहारी ले और बिहारी बताए कि ये जो लोकतंत्र पर ये हमला है, ये किसानों पर जो हमला है, युवाओं के रोजगार पर हमला है, यहाँ के शिक्षा पर हमला है और यहाँ के लोगों की स्मिता पर हमला है, एकदम से सब अपना अपना जो है वो बपौती समझ रखा है कि ये हमारा अपना है, इसको तोड़ने का काम ये बिहारी कर सकते हैं। आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरे बिहार के नौजवानों से कि नौजवान बिहार का हमेशा अंगड़ाई लेता रहा और इस बार ये अंगड़ाई ले ले, सिर्फ चुनावी राजनीति से नहीं बल्कि पूरे बिहार देश के अंदर जो सांस्कृतिक आंदोलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आंदोलन है उसके साथ आगे बढ़े। तो इस बात को आगे लेके चलते हुए बिहार की जो इम्प्रेशन है पूरी इंडिया में वो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसको इस यहीं से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं ये भी कहते हैं, और यहीं से जो लोग आते हैं वो लोग बाहर उन गरीब रहते हैं, उनकी गरीबी भी है, अनपढ़ भी है, तो एक बैकवर्ड किस्म की जो ओपिनियन है बिहार का। मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो माइग्रेंट्स के टाइम पे आप काफी उत्सुक थे, अब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो आपकी बिहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने इंटरस्टेट माइग्रेंट्स वापस आए वहां पर, बीपुर में, सिर्फ बीपुर की बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल आपका सही कहना है, बीपुर से जो वापस पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद, इसका अपने एक साथी का नंबर भी दिया था, वो हमारे यहाँ से कहलगांव एक ब्लॉक होता है वहीं के वो रहने वाले थे, तो हमारे जो लोग आए थे अभी फिर वापस कोई बस से कोई ट्रेन से वापस लौट रहे हैं,
एक मिनट यहाँ एक पे मिनट, खाने की मैं दिक्कत। जानना चाह रही हूँ कि ये बीरपुर में लगभग, मैं परफेक्ट फिगर नहीं पूछ रही हूँ, लगभग कितने लोग वापस आए और उसमें से कितने लोग चले गए? वापस जो है उसमें से जो बाहर गए थे उनकी संख्या लगभग जो है वो 60% आए थे, और अभी उसमें 40% वापस फिर चले गए। ओके, तो ये 60% जो वापस आए, जितने भी गए उसमें से 60% वापस आए और 60 में से फिर से 40 चले गए, तो ये जो जी, बची हुई परसेंट है उनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या कहानी है? बस वो भी इसी आशय में कि वहां से बुलावा है और हम चले जाएं। हाँ, तो इनको, इनके ऊपर आपका क्या विजन है? क्या आप उनको ये समझा पा रहे हैं या समझाने की जरूरत आपको दिख रही है कि भाई आपकी यहाँ पर जरूरत है, आप बिहार में, यहाँ पर बीरपुर में आपकी जरूरत है, आप बहुत कुछ यहाँ पर योगदान देना है, वहां जाएंगे और वहां फिर से वही हालात रहेंगी? वहां तो अभी इतने में कोई इंसेंटिव नहीं है, वहां पर कहीं भी कुछ और फैक्ट्रीज ना खुल रहे हैं बराबर, ना उनके उनके खुद के लोन के उलझनों में कंपनीज है, तो आपका उनके बारे में कोई विजन है कि नहीं, आप यहाँ रह के आपकी बहुत उपाधि हो सकती है? या और एक बात, आपके देखिए, बीरपुर में मनरेगा की क्या स्टेटस है? मतलब क्या उनको बर्बाद उनका है, पैसा बेकार है, मिल कुछ भी रहा नहीं है, है। उनको काम मिल रहा है, या इन लोगों में से क्या वहां एब्जॉर्ब हो रहे, या इनको नए नए स्किल्स बता के इनको कुछ करना है, या आपका विजन क्या है? अभी सब बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक तो लॉकडाउन के कारण सारा चीज बंद है। लॉकडाउन में जो हुआ, जो लोग बाहर से, मैं हमारे यहाँ कहीं जो परिवार है वो जो वापस बिहार आए, तो उस समय इस बिहार के अंदर गेहूं का जो पैदावार है उसकी खेत से कटाई हो रहा था। इसके वजह से जो बाहर से आए मजदूर थे उनको लगभग 1 महीने का काम मिल गया, रोजगार मिल गया, उससे गेहूं वगैरह मिला, अनाज मिला, मकई मिला, और उससे अपना उसका काम कुछ ना कुछ चल गया। अब तो बिल्कुल खाने का लाले पड़ा हुआ है, और हम उसको समझा भी दें तो रोक करके हम क्या करें? बैंक लोन नहीं दे सकता है। राशन कार्ड बनाने का प्रॉब्लम है, आप देखेंगे, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, हमने लगाया भी ये यूट्यूब पर। एक ब्लॉक के अंदर महिलाएं जो है, पुरुष जो है, लगा तो सब धक्कम दुक्की कर रहे हैं वो राशन कार्ड बनाने के लिए। अब एक कर्मचारी है, एक काउंटर बना हुआ है, और पूरा ब्लॉक का जो है पब्लिक वहां पे खड़ा है लाइन में। जो जो कर्मचारी होते हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं, जिसको राजस्व पदाधिकारी वगैरह कहते हैं, जो वो जमीन का जो है रसीद काटते हैं, एक लोग है पूरे एक प्रखंड में, एक है एक ब्लॉक में, एक है। बहुत समझा करके अब क्या करेंगे? खादी तो ये बंड जो, यानी ये कर्मचारी की अभाव की वजह से ये इनके पब्लिक में बहुत तनाव आ रही है, क्योंकि उनकी हक उनको जल्दी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए क्या आप कुछ रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं? हम लोग लगातार उसके लिए सरकार के पास अपील दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, वीडियो से वीडियो हाथ उठा दे रहा है। क्या हम करें? सड़क के ले जाते तो कहते ये मुखिया के अंडर में, मुखिया कहता है कभी मनरेगा में हम मिट्टी बगल में नहीं है तो हम मिट्टी बाहर से लाएंगे तो ट्रैक्टर का उपयोग नहीं कर सकते, तो बगल में रहेगा मिट्टी तो सर पर ढोके देंगे, बगल में मिट्टी नहीं है। सभी अपने अपने प्रॉब्लम है, लेकिन कागज पे सारा काम हो जाता है, पैसा उठ जाता है। मनरेगा में अगर 130 रुपया देना है तो पूरा 3 महीने का उसको मिल गया, उसका कमीशन उसको मिला, उसका कमीशन इसको मिला। जो इंदिरा आवास है, जो यहाँ बोलते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास, 25-25 हज़ार रुपया डोनेशन लिया जाता है। आपको वीडियो हम लगाए हुए हमारे यूट्यूब पर देख लीजिए, खुले हम कह रहे हैं 25 हज़ार रुपया दो तो फिर हम आवास देंगे। ये है, किसी का एज 70 ईयर्स है, आधार कार्ड में उसका 23 ईयर 23 ईयर्स कर दिया है। कितना प्रॉब्लम है, किस किस इशू पर आप हम, तो जो पूरा सिस्टम है वो सारे सिस्टम को तहस नहस करके रखा हूँ। थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम है तो आप एक सोशल वर्कर की तरह वहां जाकर के आप कुछ ठीक कर सकते हैं। पूरा सिस्टम को ड्रॉप करके रखा हुआ है, तो फिर किस किस ये चीज का बात डाटा एक लेकर जरा के करें? समझाइए मुझे, भ्रष्टाचार के मामले में आप ऐसा क्यों कह दिए कि भ्रष्टाचार कम करेंगे लेकिन पूरा नहीं हटा नहीं, सकते? नहीं, आप समझने में मिस कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार को हम हेल्थ के माध्यम से, अगर सिस्टम में एजुकेशन और हेल्थ को फ्री कर दें, तो मैक्सिमम लोग चोरी इसलिए करते हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाऊं, मेडिकल में डोनेशन 50-50 लाख रुपया दे करके बच्चे को एडमिशन कराएगा मेडिकल में, तो भ्रष्टाचार ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं बीमार
पड़ जाऊं, कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाए और इसको इलाज कराना हो, 16,000 रुपया, टीचर को 15,000 रुपया टीचर को वेतन मिले और उसको हार्ट अटैक आ जाए, इलाज कराएगा तो क्या करेगा वो? आप तो चोर बना रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट कर क्या रहा है? एक एक प्रोफेसर का वेतन यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपया है, और उसी में अभी जो आप गेस्ट टीचर के नाम पे 25,000 30,000 40,000 रुपया में रख रहे हैं, क्या करेगा वो? बच्चों को चोरी करके पास नहीं करवाएगा तो क्या करेगा? तो सिस्टम तो आप उसको गलत, मैंने ये कहा कि अगर ये फ्री हो जाए, ये फ्री हो जाए तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है। और फिर आगे जैसे हम लोग सोशलिज्म का बात करते हैं तो क्या हम लोग अंतिम बात कर रहे हैं? समाजवाद यहाँ पे अंतिम हो जाएगा? सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय जो है, वो अभी खत्म तो नहीं हो जाएगा? यही पर बातें खत्म नहीं हो जाएगी, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर एक नया सवाल हमारे सामने खड़ा होगा। हाँ, तो आप हम कहते हैं हमेशा कि सोशलिज्म मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो हमारी दृष्टि है वो वैज्ञानिक दृष्टि। यहाँ पर आपको रोकना चाह रही हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हर किसी के पास उसके जरूरतों की बराबर का पैसा रहा तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो उसकी जो विजय वाले के पास सही पैसा नहीं था, मेहुल चौकसी के पास काफी पैसा नहीं था, क्या इन लोगों के पास पैसे नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल सही आपका सवाल है। पैसा आपका उसके पास था, उसको चोरी करने के लिए पैसा कौन दे रहा है? हाँ, वो भ्रष्टाचार पूरी, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये पैसा रहना नहीं रहना भ्रष्टाचार से कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल, एक साधारण रिक्शा वाला बहुत ईमानदार रहता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं रह सकता है, उसको अवसर नहीं मिल रहा बेईमानी करने का, इसलिए नहीं कर पाता। सिस्टम उसको मजबूर कर देंगी भ्रष्टाचार पे, राइट। लेकिन विजय माल्या जैसे लोगों को किसने मजबूर किया? मेहुल चौकसी को किसने मजबूर किया? सिस्टम ने बनाया ही उसको चोरी करने के लिए, मजबूर किस लिए करेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ और मुझे पार्टी के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, तो मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता ना, तो हम तैसे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी या जो ये अंबानी है, अडानी है, ऐसे लोगों को तो खड़े करेंगे, एक एक 100 हेलीकॉप्टर से हम घूमेंगे, तो हम तो वहां तैयार कर रहे हैं। हम तैयार का मतलब जो सिस्टम है वो उसको तैयार कर रहा है। जैसे ही आप कह रहे हैं समान काम का समान वेतन क्यों नहीं करते हैं, है क्या? हाँ, तो अभी आप जो बात निकाले, उनकी जो हेलीकॉप्टर्स में अपने प्रधानमंत्री जी भी, सबको मालूम है उनके हेलीकॉप्टर्स में घूमे थे कैंपेनिंग वगैरह में, तो इसे, और आजकल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की भी जो बात चल रही है, तो सिस्टम में ऐसा है, ओपेकनेस आ गया है, कौन किसको क्या कहाँ का हवाला का पैसा भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, तो सिस्टम ही ऐसा है। तो हम ये कैसे, हम इसलिए क्या उसके लिए हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सिस्टम ही ऐसा है, तो सिस्टम को अपने को ठीक करना है, सिस्टम को भ्रष्टाचार से दूर निकालना ही है, वो तो सोशलिज्म का पक्का अप्रोच है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो तो सही अपना पक्का अप्रोच है कि भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे जी। बस इसी पर देखिए डॉक्टर रमन लिया क्या कहते हैं कि जो आर्थिक गैर बराबरी है वो 1:10 होना चाहिए, लेकिन 1:10 ही रह जाना चाहिए, नहीं उसको बाद में कहते 8 करना चाहिए, 1:6 करना चाहिए, 4 करना, ये तो प्रोसेस। इसलिए हमने कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ से कम हो सकता है, इतने से खत्म हो जाएगा नहीं, फिर हम इसको और आगे जो चीजें आप कह रहे हैं कि सब लोगों को रोजगार मिल जाए तो बिल्कुल 100% क्राइम बंद हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। क्राइम कुछ ना कुछ इशू रहते हैं, वो कुछ ना कुछ आगे चीजें रहता है, इसलिए हमेशा उस पर काम होता है, लेकिन आप उस चीजों को न्यूनतम, जैसे जो गलत लोग हैं उसकी संख्या कम हो जाए, अच्छे लोगों की संख्या बढ़ जाए, तो वो दब जाते हैं। तो अभी अब हम आपको जाने देंगे, सिर्फ एक 2-3 चीज रह गए हैं, हम आपसे ये पता करना चाह रहे हैं और लोगों को, आपकी कॉन्शियंसी वालों को ये भी बताना चाह रहे हैं इस इंटरव्यू के जरिए से कि आप जो मेन अभी सोशलिज्म, सोशलिस्टिक अप्रोच को आप जो फैला रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि इस वजह से आपको सोशलिस्ट पार्टी को आप वोट देंगे ताकि आपके जिंदगी में ये फर्क आएगा, यही है ना आपका अप्रोच? तो
आप उनको इनसी संविधान के लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो आप उनकी जिंदगी में आप एकदम से आप क्या बताएंगे, व्हाट इज द फर्क यू वांट टू शो, आप क्या बोलेंगे उनको कि ये फर्क रहेंगे आपके? हाँ, हमारा विजन ये है, आप जो अभी तक आपके साथ लोगों ने किया वो उसका विजन ये है, दोनों आपके सामने रखेंगे, तो आपको पसंद करना है। हाँ, आपके विजन में आपका विजन में आप क्या बताएंगे उनको? अभी तो सारा बात उसी विजन पे बात हुई ना, उसको रिपीट करने क्या क्या जरूरत है, हम तो सारे उसी विजन पे बात हुई है अभी। हाँ। हम लोग जो 40 मिनट 45 बात कर रहे हैं, विजन तो वही है ना, उस विजन पे हम सारा बातचीत करें। हाँ ठीक है, अगर मैं सोची कि आप बुलेट पॉइंट्स में बता पाएंगे, ताकि क्योंकि लोग पर्चा भी पूरा नहीं पढ़ने के जमाना में है, ठीक है कोई बात नहीं वहां तक के। तो बस हम आपको हम ऑल दी बेस्ट कहते हैं, और ये आखिरी चलते चलते एक बात है कि आप इलेक्टोरल रोल्स की बात मैं आपसे इससे पहले भी छेड़ी थी, तो इलेक्टोरल रोल्स में आपका काम कहाँ तक हुआ, और क्या वो आप उसकी जो आप एक ब्लॉक में या एक पोलिंग बूथ में अगर आप देखे हैं तो उसमें आपके फाइंडिंग्स क्या है, क्या इलेक्टोरल रोल सही है या उसमें कुछ काम हुआ, या कई लोग के पास क्या होता है वोटर आईडी कार्ड रहता है लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता, तो जब क्या होता है इलेक्शन डे के दिन वो वहां वोटर आईडी कार्ड लेके जाते हैं लेकिन वो वोट डाल नहीं सकते क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं रहता, तो उसकी जो काम है कैंडिडेट इसीलिए वो पहले ही करते हैं कि वो हर पोलिंग बूथ वाइज वो जाके वो लोगों से इंटरेक्ट करके वो पता मालूम करते हैं, तो इस सिलसिले में कुछ काम है आपका जी, या जी, कुछ हमारा, आप रिप्रेजेंटेशन दिए होंगे? हाँ, हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं इस चुनावी अभियान में और लगातार आंदोलन में सोशलिज्म के साथ, वो सारे अपने अपने मोबाइल में उस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट किए हुए हैं, वहाँ जाकर के जैसे हम लोग जाते हैं तो 50 लोग जमा होते हैं, 40 लोग जमा होते हैं, क्योंकि अभी 50 से ज्यादा जमा नहीं हो सकते, तो 30 लोग 40 लोग ऐसे जमा होते हैं, उनमें से वोटर लेकर के हम लोग चेकअप करते हैं कि आपका सही है या बहुत जगह गलत निकलता है, हम उनको दिखा देते हैं कि गलत है और आपको इस तरह से सही करवा लेना चाहिए, और वो सही करा लेंगे, तो वो ऑनलाइन, तो अभी कई जगह कुछ लोगों के सामने रिजेक्ट भी हो गया, दोबारा नहीं हुआ, तुमने कहा फिर से करिए, अभी अभी इस समय हमारे पास है, तो आपके इस सुझाव का हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा सुझाव है, और हम लोग कैंपेनिंग में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज हमारी जो पूरी रणनीति है, जो हमारी रणनीति है, हमारी जो तैयारी है, वो सारी चीजों को डिक्लेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं तो फिर उस हिसाब से हमारा वो विपक्ष का तैयारी करेगा, तो इसलिए बहुत सारी चीजें मैं आपको इस इंटरव्यू पे नहीं बता सकता हूँ कि हम अपनी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप आश्वस्त करते हैं चूंकि ये पब्लिक डोमेन में जाना है, तो हम अपने जो विपक्ष की पूरी अब तक की कमियां हैं, जो उन्होंने लोकतंत्र के साथ हमले किए हैं, जो नागरिकों के साथ झूठ बोला है, जनताओं के साथ अन्याय किया है, जो शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार का काम किया है, उन सारी लिस्टों के साथ उसके पुख्ते सबूत के साथ हम वहां आम पब्लिक के बीच जा करके अपनी बात को रखेंगे। हाँ। हमारा जो वोटिंग मांगने का जो हमारा तरीका है, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रिश्तेदारी के आधार पर, शराब पैसे के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, अपने भाषण में इस बात को बोलेंगे, अगर इस नाम पे वोट देना है तो मुझे वोट नहीं दीजिए, मुझे हारना स्वीकार है, पर आपके इस तरह के अप्रोच का वोट लेने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि एमपी लैड्स की फंड्स के बारे में आपने पता की आपके एमएलए के बारे में? नहीं, आपका क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं अपने पास रखता हूँ कि उसके जो हमारे यहाँ का जो एमएलए है, हमारे यहाँ का जो एमपी है, जो उनका फंड आता है 3 करोड़ का, वो कहाँ कहाँ खर्च किया है, जैसे अभी हम कल एक ऑफिस गए थे, वहाँ पता चला कि एमएलए का फंड वापस हो रहा है, वो खर्च नहीं कर पाया, तो ये सब हमारे लिए है, पब्लिक डोमेन में हम उसको लेकर जाएंगे। और एमपी का भी वैसे उसको 5 करोड़ आया था, अभी तो ये अभी बंद करे कोरोना की वजह से, वरना हर साल 5 करोड़ जी, तो उसके ऊपर भी आप पता करें कि वो कहाँ पर खर्च हुआ या वापस चला गया या कितना करप्शन में भ्रष्टाचार में निकल चुका है। ओके जी, ऑल द बेस्ट गौतम, थैंक यू, शुक्रिया।
ठीक है, धन्यवाद लुबना जी और गौतम जी, बहुत अच्छी बातचीत रही और गौतम भाई ने समाजवादी विचारधारा को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी अपनी बात में सफाई प्रस्तुत की, जो एक थोड़ा सा ऐसा लुबना जी ने कहा कि वो कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से गरीब और अमीर के बीच की विषमता एकदम से कम नहीं की जा सकती, उसको धीरे धीरे ही कर सकते हैं, उसी तरह से भ्रष्टाचार को भी धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा। और बाकी जो शिक्षा को लेके आपने बात बताई, बहुत ताज्जुब की बात है कि बिहार जिसका कि जो साक्षरता दर है पूरे देश में सबसे कम है, और वहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है इस पूरे विधानसभा में, ये बड़ी चिंता की बात है। और गौतम जी ने कहा कि इसके लिए भी वो काम करेंगे, और जो प्राकृतिक आपदा वहाँ पे आती है कोसी की वजह से, गंगा और कोसी के कटान से जो लोग विस्थापित होते हैं, ये बिहार की एक बड़ी समस्या है। मैं इस साल के शुरू में जब गया था गौतम जी के यहाँ, तो उन्होंने उन लोगों को दिखाया जो कटान की वजह से रेलवे की जमीन पे वहाँ पे रह रहे थे। तो ये भी बिहार की एक बड़ी समस्या है, इसका भी कुछ ना कुछ समाधान निकलना चाहिए। तो जैसा लुबना जी ने कहा कि हम इस बात हम ये सोच के तैयारी करें कि गौतम कुमार प्रीतम जी को विधानसभा में जाना है, और विधानसभा में पहुंच के वो किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं परियोजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, ये हमें अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि गौतम जी पिछले चुनाव के तुलना में इस बार ज़्यादा तैयारी के साथ उतरे हैं, और ये देखकर बहुत खुशी होती है। तो हम लोग अपनी शुभकामनाएं गौतम जी को देते हुए आप सबसे विदा होते हैं, और जल्दी ही फिर हम गौतम जी को आपके बीच में लाएंगे किसी दूसरे साक्षात्कर्ता की के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुक्रिया गौतम और संदीप जी।